ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 6 फरवरी 2022 के महावाक्य है। आज संडे होने के कारण हम सभी ये रिवाइज मुरली ही सुनते हैं और आज की रिवाइज डेट है, ओरिजिनल डेट है 6 जनवरी 1990। आज के मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ करो। साफ मन व साफ दिल पर ही साहेब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं भी पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साप है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता, 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें भी संपन्न गायन आपके ही देवता रूप का है। लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में बने या देवता जीवन में? बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कहाँ तक अर्थात कितने परसेंट में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्ति या साधारण हो, मूर्तियाँ हो या साधारण हो, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, आप श्रेष्ठ हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियाँ हो ना। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएंगे। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देह भान में स्वच्छता नहीं होती है लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और यह मंदिर भी बाबा ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया हुआ है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है आपने, तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो है नहीं। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, तो ट्रस्टी पर स्वतः ही नष्टो मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं लेकिन बाप ने सेवा दी है ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलाते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता।
इस विधि से चेक करो कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण की है आत्मा ने। बाबा ने आज चेकिंग के लिए पॉइंट्स दी है कि हमने कितनी परसेंटेज में पवित्रता को धारण किया है। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात है, अभी बाबा ने तन की स्वच्छता कही, मन की स्वच्छता कही, अभी दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई और सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता और दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्चे दिल से कहो या चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी तो पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करनी है, ऐसे इस अल्माइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। और ये मेरी ड्यूटी है, बैंक ने बोला है इसलिए मुझे करना है, नहीं। बाबा कहते हैं प्यार से करनी है सेवा। ड्यूटी सिर्फ नहीं लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्चे दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंट की सेवा की। इतने मेले कर दिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंट कितनी रही। ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात है संबंध में पवित्रता। इसका सारूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंटेज में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता, 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक है ब्राह्मण परिवार, दूसरा है आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के संपर्क में, और तीसरा लौकिक परिवार के संबंध में आते हो। तो तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते संकल्प आता रहेगा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा होता, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलवेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बीठो नच, अर्थात सदा सच्चा ही खुशी में नाचता रहता है। तो सुना हो रहा उसकी परिभाषा, अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं तो हंस हो लेकिन होली हंस नहीं। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी शरीर का हिसाब किताब हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे, वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। ये तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले है ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ ही क्या है। समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो है, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है मेरा पार्ट, या मेरा तो विनाश के बाद ही पार्ट है, कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेले पर का अंश प्रकट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते होली हंस,
ज्ञान सागर के कंटे पर आए हो ना, तो आज होली हम उसकी स्वच्छता सुनाई फिर विशेषता सुनाएंगे। बहुत जरूरी है हमारी स्वच्छता, और स्वच्छता से हमको पता चलता है कि हमारी आत्मा कहाँ तक स्वच्छ बनती जा रही है। टीचर्स को तो चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है, चाहे खाना बनाती है या कपड़े धुलाई करती है, वह भी यज्ञ सेवा है, वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा, देखो बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया, योग्य। योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी हमेशा भरपूर रहेगी। बाबा का ये वरदान है बहनों को। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः ही प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज़्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते हैं, ठहरते क्यों नहीं हैं, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो वो बोझ उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी, इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना, सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहा जाएंगी अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा खुशहाल रहते हो, खुशहाल अर्थात भरपूर और संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। और जहाँ खुशहाली नहीं होती, उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई, और चाल कौन सी हो गई, उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं, तो आपका क्या हालचाल है? हाल है खुशहाल, और चाल है फरिश्तों की। तो दोनों ही अच्छे हैं ना, खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जीवन में कांटों के जंगल में हमारी जीवन थी, अभी बदल गई, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। तो सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है, आप हो या और दूसरे कोई है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता है, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है, फूल चाहिए उसमें। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा, उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। तो आज बाप दादा महाराष्ट्र वालों से बात कर रहे हैं, खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बगीचे में जाकर सैर करो, पैदल करो। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। कैसे हैं हम? एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाते हैं। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको मिल गया ना, सभी को कहते हो कि जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो, लेकिन मन
तंदुरुस्त हो। मन खुश तो जहान खुश, मन बीमार तो शरीर पीला पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा, ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है, आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो खुश तब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना, चाहे कैसे भी आत्माएं हैं लेकिन है तो एक परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे यह हमारा भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नज़दीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कृपा करो रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे रहम करेंगे ना, क्योंकि आप बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, रहम ही आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं चाहे कौन सा हो, जरासंधी हो चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश है, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, फिर क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देनी है। अच्छा, सर्व हरिहंसों को चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्चे दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर वन बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरों से हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। विस्तार है ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से, विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। तो ऐसे ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सभी सर्वबंधन मुक्त आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।